हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका लव इंटरसिटी यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप लोग? तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे प्यार करने वाले के बारे में, एक ऐसे ट्रू लवर के बारे में जो कि दुनिया में बेस्ट होता है, वन ऑफ द बेस्ट होता है। कुल मिला के हम बात करेंगे सच्चे प्रेमी की एक ऐसी हैबिट के बारे में, एक ऐसी आदत के बारे में, और कुल मिला के एक ऐसे साइन के बारे में जो बहुत कमाल का, बहुत ही यूनिक होता है। लेकिन ज़्यादातर लोग आज के समय में, हो सकता है कि आप भी इसको बुरा मानते हो, लड़के लड़कियाँ दोनों इस वीडियो को इस हिसाब से देखना, लड़कियाँ इस हिसाब से देखेंगी, ये पता करने की कोशिश करेंगी कि क्या ये चीज़ उनके बॉयफ्रेंड में है। अगर है तो वो अभी तक बुरा मानती है, अगर आ रही हैं तो इसको अपने अंदर से रिमूव कर लो, बहुत अच्छा होगा। ये बहुत अच्छी बात होती है जिसको मैं यहाँ पे आज कवर करूँगा। लड़के इस हिसाब से देखेंगे कि क्या ये बात उनके अंदर है, तो है तो वो गिल्टी फील ना करे, इट्स अ गॉड गिफ्टेड, बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, तो अब आते हैं डायरेक्ट उस पर। तो इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा इंटेंशन जो है वो ये है कि ट्रू लवर, सच्चे प्यार करने वाले का ये जो सबसे बड़ा सिम्टम्स है, इसको आपको बताया जा सके और बहुत सारे मिथ क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे। तो अब डायरेक्ट आते हैं उस सिम्टम पर, उस साइन पर। ठीक है ना, वो जो साइन है वो ये है, हेसिस्टेंट। इसको हिंदी में अगर कहा जाए तो संकोच करने वाला। जी हाँ, अगर आपके पार्टनर के अंदर ये लक्षण है, वो संकोच करता है कुछ भी कहने से पहले, कुछ भी आपसे मांगने से पहले, अगर वो संकोच करता है तो वो सच्चे प्यार की कैटेगरी में आता है। अब यहाँ पे देखिए, इसको वन ऑफ द बिगेस्ट साइन ऑफ ट्रू लवर इसको बोला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसके पीछे का कुछ बैकग्राउंड मैं अभी आपको क्लियर करूँगा, लेकिन सबसे पहले एक एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मैं जब वीडियो बनाने की सोच रहा था, ये जब आइडिया मेरे मन में आया और इस पर जब थोड़ी रिसर्च टाइप की हुई, तो मैंने सोचा यार क्या यहाँ पे एग्जांपल आपके सामने लाया जाए जिससे कि आसानी से क्लियर हो जाए। तो मुझे एक गाना है उसकी कुछ लाइनें याद आ गईं, तो वो यहाँ पे परफेक्ट है। तो वो लाइनें जो हैं यहाँ पे हैं, देखिए। अब ये किस गाने की ये मिड पार्ट है, किस गाने का ये लाइन है, मेरे को कमेंट में बताइएगा। अगर मैं बता दूँ मेरे दिल में क्या है, तो मुझसे निगाहें चुरा तो ना लोगे, अगर बढ़ गई बेताबियाँ तो कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो ना लोगे। अब यहाँ पे ये जो लाइनें हैं, चार लाइनें हैं, लेकिन इन चार लाइनों में क्या बताया जा रहा है, चार लाइनों में कहने वाला ये कह रहा है अपनी प्रेमिका से कि अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है, सपोज करो उसके दिल में है किस करना। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल को इसको और क्लियर कर रहा हूँ। सपोज करो कि उसके दिल में है किस करना, तो वो ये कह रहा है कि अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है तो मुझसे निगाहें चुरा तो ना लोगे, मतलब कि अगर बेताबियाँ बढ़ गई तो कहीं दामन छुड़ा तो ना लोगे। कहने का सेंस कुल मिला के ये है कि वो इंसान संकोच कर रहा है कि कहीं मैंने ये चीज़ बता दिया तो कहीं आपको बुरा तो नहीं लग गया, या कहीं आपको बुरा ना लग जाए, कहीं आप दामन छुड़ा ना लो, मतलब कि आप जो है आप ये रिलेशनशिप ख़त्म ना कर दो, मतलब यहाँ पे सेंस आप पकड़ना। ठीक है, मैं इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, आप सेंस पकड़ना। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मान लो कि अब यहाँ पे जब मैंने एक वीडियो बनाया था झूठे प्यार की निशानी में, तो उसमें मैंने बोला था कि मिलना जो है वो मतलब आप लोगों ने गलत सेंस, बहुत लोगों ने गलत सेंस निकाल लिया कि भाई ने बोला है कि मिलना गलत बात है। मैंने मिलना गलत बात ये बिल्कुल नहीं बोला था, मैंने बोला था हवस जो लस्ट है वो गलत चीज़ होती है। अब यहाँ पे मिलना जो है, मिलना चाहे एक तरीके से मीटअप हो चाहे फिजिकल हो, मैं किसी के खिलाफ नहीं था, मैं हवस के खिलाफ था, मैं बोला था हवस जो है वो गलत चीज़ होती है, तो उस बारे में मैंने बात की थी। अब सपोज करो कि आपका पार्टनर जो है वो आपसे मिलना चाहता है, अब वो किसी भी तरीके से मिलना चाहता है, लेकिन वो ये कहने में बहुत संकोच कर रहा है कि कैसे कहूंगा यार, किन शब्दों में इसको बयां करूंगा या किस तरीके से एक्सप्रेस करूंगा, कहीं आपको बुरा तो ना लग जाए, ये सारी चीज़ें अगर सोच रहा है ना, तो वो सच्चा प्यार करने वाला है। क्यों? अब इसके पीछे का थोड़ा सा बैकग्राउंड सेट करते हैं, समझते हैं। अब देखो क्या है कि जो एक तरीके से फ्रॉड टाइप के लड़के होते हैं ना, जो चीटर होते हैं, उनको क्या है कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है इन चीज़ों में, बहुत ज़्यादा उनको एक तरीके से अनुभव प्राप्त हो चुका होता है, वो किसी भी लड़की से ये कहने में बिल्कुल हिचकते नहीं, उन्हें सोचना नहीं पड़ता है, फटाफट वो चीज़ें करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर आपका पार्टनर ऐसा सोच रहा है, तो वो एक तरीके से कह सकते हो वो बिल्कुल जेन्यून है, साफ दिल का है, उसके पास ऐसे वर्ड नहीं है जिससे वो एक्सप्रेस कर पाए, ऐसे एक्सप्रेशन नहीं है जिससे कि वो अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए, या फिर वो ये डर रहा है, ये सोच रहा है कि कहीं मतलब हम आपसे इतना प्यार करते हैं आपको बुरा लग गया तो आप पता नहीं क्या सोचोगे। तो ये जो बंदा होता है ना इस टाइप का, संकोच करने वाला, ये बहुत ही अच्छा सिम्टम्स होता है, बहुत अच्छे लक्षण होते हैं सच्चे प्यार करने वाले के, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ये बहुत अच्छा सिम्टम होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ मिथोलॉजी ये चल रही है, कुछ एक तरीके से मिथ ये चल रहा है ना कि जो इंसान संकोच करता है, ठीक है, जो संकोच करता है वो इंसान मतलब कि यार क्या है वो, मतलब क्या संकोच करना यार, जो संकोच करता है वो अच्छा नहीं होता है, ऐसे लड़कियों का भी मानना है और काफ़ी हद तक लड़कों का भी मानना है। लेकिन यहाँ पे संकोच करना सही है या गलत है उस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन संकोच क्यों किया जा रहा है,
इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है वो अगर आप समझ लेते हो तब आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ तो यार बिल्कुल गलत नहीं है। संकोच को इंसान तभी करता है जब उसको डाउट होता है यार कहीं बुरा ना लग जाए, कहीं ये ना हो जाए वो ना हो जाए, ठीक है। वो आपको बुरा या आपको दुख या तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता है या आपको गलत वे में नहीं लेके जाना चाहता है, इसलिए संकोच करता है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो कुल मिला के फाइनल वर्ड में कहते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में संकोच करने वाला इंसान है तो यू आर वेरी लकी, यू आर रियली लकी, ठीक है ना। आप बहुत लकी हो, सच में लकी हो, ठीक है ना। तो इस इंसान को आप जो है अच्छे से केयर करना। और एंड में बस इतना कहूँगा कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करने में बिल्कुल मत हिचकना, शेयर करना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना तो बिल्कुल मत जाना, क्योंकि इन फ्यूचर इस चैनल पर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियोज़ आने वाली हैं। तो बहुत काम का ये चैनल होने वाला है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट में जो भी आपके विचार हों, क्वेश्चन हों, क्वेरीज हों ज़रूर लिखिएगा। और एंड में अगर आपने अभी तक मेरे को लव इंडस्ट्री फेसबुक पेज पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके क्लिक करके फॉलो कर लीजिए। और अगर आप मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हो, कॉल करना चाहते हो, तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिए। उस पर ये पूरा सर्च मार दीजिए lovintercity@cm4, वहाँ पे lovintercity यूट्यूब चैनल की आईडी मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो और मुझसे बात कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।